नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज डिप्रेशन जैसे रोग से पीड़ित है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल बनते हैं, जिनमें कुछ मुख्य केमिकल होते हैं जैसे नोरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। जब इन केमिकल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि ये सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता है, तो हमें डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। देखा जाता है कि डिप्रेशन जब होता है तो हेडेक निरंतर बने रहता है और व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जरा कोई बात कर ले तो बात करने का मन नहीं करता, या व्यक्ति लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल अकेलापन अच्छा लगता है या लेटे रहने का मन करता है। ऐसा लगता है कि मैं एकांत में रहूं। व्यक्ति को एकांत बहुत अच्छा लगता है। वो अगर किसी शादी फंक्शन में जाए तो उसको कोई आनंद नहीं आता, उसको तो केवल अकेलापन ही अच्छा लगता है। और किसी व्यक्ति से, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसको बहुत अजीब सा महसूस होता है, उसको लगता है कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, और वो इस बात को लेकर चिड़चिड़ा होता है और कई बार तो लड़ाई भी करने लग जाता है। ऐसा होता है डिप्रेशन। ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा रहती है जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, यानी कि उनका पेट ठीक नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे जो हमारे पेट में भी बनते हैं। जब हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा तो उसके कारण से भी डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। जिन लोगों को नींद प्रॉपर नहीं मिलती, यानी कि जॉब ऐसी है या ट्रेवलिंग में ज़्यादा रहते हैं जिसके कारण से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, वो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का। जो लोग स्मोकिंग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहते हैं, शोर शराबे में ज़्यादा रहते हैं, उनकी जॉब इस प्रकार की है, तो उसके कारण से भी उनको डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन कई बार इस लेवल तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति सुसाइड करने की भी कोशिश कर लेता है। जिसको डिप्रेशन है उसको एकांत से थोड़ा सा बचना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। जो भी आपकी हैबिट है, जो भी आपको पसंद है, आपको वही काम करना चाहिए। नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। आज एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या हो गई है तो आपके जो ब्रेन के केमिकल हैं, जैसे मैंने बताया, वो भी ठीक प्रकार से बनने लगेंगे और उसके कारण से आपको बहुत सारे लक्षण भी नजर आ रहे हैं, यानी कि आपकी डिप्रेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। डिप्रेशन अवसाद के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आज आप सीखेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, यहाँ कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगाना, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद यहाँ हमें अपने अंगूठे से रबिंग करनी है 12 टाइम्स, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट से, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। अपने अंगूठे से माथे पर आसपास तीन पॉइंट बनाने हैं, ऐसा 3 से 4 बार करना। फिर सेंटर ने किया पहले, अभी ये साइडों में आईब्रो के ऊपर इस प्रकार से करना, फिर पेशेंट के पीछे की साइड में आना और बिल्कुल सेंटर में अपने अंगूठों से प्रेशर देते जाना आगे से पीछे की ओर। इसके बाद इस वाले पोर्शन, फिर यहाँ पर जो माथा है यहाँ से मसल को खींच के इधर साइड में ला के लाना और इस प्रकार से मूव करना 4 से 5 बार इस प्रकार से। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये डिप्रेशन की समस्या के लिए। जब इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सिरदर्द होती है, जिसके कारण से कई बार ऐसा लगता है चक्कर भी आ रहे, वो इमिडिएटली सब ठीक हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ अच्छे से रबिंग करना, इस प्रकार से बैक साइड की रबिंग करना। पूरा सिर जो दर्द के मारे फटा जा रहा था, करने के साथ ही बहुत आराम मिल जाता है। पहली बार में ही आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। आप ये ट्राई करें और दिन में 2 से 3 बार आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबे समय से है तो आपकी ये समस्या जरूर ठीक होगी। तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होती है डिप्रेशन की समस्या, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण हमको नजर आते हैं।
आप अपना रूटीन ठीक कर लें, नींद प्रॉपर नहीं लेते वो प्रॉपर ले लें, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तुरंत बंद कर दें, पानी अधिक मात्रा में पिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर ज़रूर लाएं, तो निश्चित ही आपकी डिप्रेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, हमारे पास आकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जैसे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।